कैसे सेट करेंगे और साथ में अलग अलग व्यूज में हम टेबल को कैसे देखेंगे। इस वीडियो में मैं रिकॉर्ड को अपेंड करना बताऊंगा, साथ में रिकॉर्ड इंसर्ट करना और रिकॉर्ड को एडिट करना, ये तीन चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ तक ये जो टेबल मैंने बताया था पिछले वीडियो में, मैं इसमें एक रिकॉर्ड अपेंड करूँगा। सबसे पहले अपेंड करना बिल्कुल वही प्रोसेस है कि जहाँ तक डेटा लिखा गया है, टाइप किया गया है, उसके आगे आपको टाइप कर देना है। इसी को कहते हैं अपेंडिंग रिकॉर्ड। अपेंड मतलब जहाँ तक एंड है डेटा सीरीज का, उसके पीछे एक रिकॉर्ड ऐड कर देना, अब उसी को अपेंडिंग कहते हैं। तो जैसे समझने के लिए मान लीजिए अगर कोई ट्रेन है, ट्रेन के इंजन के पीछे एक डिब्बा अपेंड होता है, उसके पीछे अलग डिब्बा अपेंड होता है, ऐसे ही उसको अपेंडिंग कहते हैं। किसी चीज़ के पीछे ला कर के जोड़ना अपेंडिंग कहलाता है, तो ये रिकॉर्ड अपेंडिंग है। अब जो है इसमें हम रिकॉर्ड अपेंड तो कर चुके, अब देखते हैं कि किसी रिकॉर्ड को हम डिलीट कैसे करेंगे। सबसे पहले रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए हम रिकॉर्ड को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डिलीट रिकॉर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम इस पर सेलेक्ट करने पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिकॉर्ड डिलीट रिकॉर्ड, तो इसको डिलीट कर देंगे। अब यहाँ से कंफर्म करना चाहता है आपकी तरफ से, तो आप कंफर्म कर देंगे तो आप देखेंगे फोर्थ नंबर का रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो गया। अब जो है प्रतीक और आकांक्षा के बीच में हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है क्या लिखा है आपको न्यू रिकॉर्ड करते हैं। तो रो हाइट सबसे पहले तो रिकॉर्ड को मॉडिफाई कैसे करेंगे। रिकॉर्ड को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर जो है जिस भी रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है, इसमें प्रतीक लिखा हुआ है तो फ्रेम करना है हमको, फ्रेम या फ्रेम तक डाल देते हैं, तो ये रिकॉर्ड एडिट हो गया। मार्क्स को एडिट कर लेंगे, यहाँ पर आ करके 50 कर लेंगे, इसको यहाँ से 30 कर लेंगे, ये रिकॉर्ड एडिटिंग हो गया। तो इस तरह से आप उसमें रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं। अब जो है मान लीजिए आपको नेम दिया है, सब्जेक्ट दिया है, मार्क दिया है, तो अब इसमें एक कॉलम और चाहिए एड्रेस का। सपोज तो एड्रेस का रिकॉर्ड के साइज यहाँ पर जो है सिंपली आपको ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। अब किस टाइप का रिकॉर्ड होगा ये आपको बता देते हैं, किस टाइप का डेटा होगा यहाँ पर। मान लीजिए हमने कहा एड्रेस का, तो एड्रेस आप नेमो टाइप का ले सकते हैं, टाइप कर लीजिए यहाँ पर, इसको टाइप कर दीजिए एड्रेस में एड्रेस थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए अभी तीनों में हमको क्या करना पड़ेगा, एड्रेस बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं बड़ा एड्रेस ना लिख करके छोटा सा लिख देता हूँ, तो इसमें तीनों में रिकॉर्ड ऐड हो गया,
तीनों में मैंने रिकॉर्ड डाल दिया। तो आज इस तरह से हम अभी तक इसमें चार केवल फोर फील्ड थे, अब इसमें फाइव फील्ड हो गए। तो इसी तरह से हम और आगे भी इसमें बढ़ा सकते हैं। बढ़ाते वक्त बस यही ध्यान देना है कि इसमें डेटा टाइप जो है हमें चूज़ करना पड़ेगा और उसको रिनेम करना पड़ेगा। ये काम हम डिज़ाइन व्यू से भी जाकर कर सकते हैं। जैसे इसको राइट क्लिक करेंगे, अब सपोज़ यहाँ पर हमको पिन कोड डालना है, तो पिन कोड डालते हैं। यहाँ पे पिन कोड डालने के लिए डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और यहाँ पर पिन कोड डाल देते हैं, पिन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है पिन का, यहाँ पर ये नंबर होता है, यहाँ पे पोस्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यहाँ पर जो है नंबर डाल दिया, यार वो एक मतलब नहीं है, यहाँ पर हमको यहाँ पर पिन कोड डालना है। तो देखा आपने, यहाँ पर पिन कोड हो गया, ये नंबर हो गया, और इसको चेंज कर देते हैं डिज़ाइन व्यू से। हम आ जाएंगे डेटा शीट में, देखिए यहाँ पर पिन कोड आ गया। अब पिन कोड यहाँ पर हमको फिलअप करना पड़ेगा सब में, कोई भी पिन कोड आप यहाँ पर डाल दीजिए। इस तरह से इसमें डेटा हम रिकॉर्ड करना देख लिए, और साथ में डेटा ऐड कैसे करेंगे, और टेबल में कोई फील्ड जो है नई ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे। अब साथ में मैं ये भी बता देता हूँ कि किसी टेबल के किसी फील्ड को रिनेम करना हो, उसको चेंज करना हो, तो कैसे चेंज करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है नेम लिखा हुआ है, तो नेम को हम यहाँ पे फर्स्ट नेम करना चाहते हैं, तो कैसे ये चेंज होगा। तो सबसे पहले तो यही पे हम डबल क्लिक कर देंगे और इसको हम चेंज कर देंगे। अब दूसरा यही काम हम जो है डिज़ाइन व्यू में जा कर के भी वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर डिज़ाइन व्यू देखिए अप नेम कर दिया मैंने, तो ये चेंज हो गया। यही काम हम डिज़ाइन व्यू से भी जा कर के कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ें हो गई। और अगर किसी फील्ड को डिलीट करना हो तो डिलीट कैसे करेंगे, तो मैं बता दूँ। डिलीट करने के लिए इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और नीचे दिया है डिलीट फील्ड, तो डिलीट फील्ड कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ये काम हम डिज़ाइन व्यू से भी जा करके कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है हम किसी भी टेबल के फील्ड को रिनेम, डिलीट और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डेटा टाइप्स के साथ में हम देखेंगे टेबल को, जैसे लुकअप हो गया और हाइपरलिंक अटैचमेंट, ये कुछ अलग जो है एडवांस टाइप के डेटा टाइप हैं, तो इनके बारे में भी हम कुछ देखेंगे।